आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की, कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में आज भारी बारिश की है संभावना, देश के किन किन राज्यों में अब गिरे का पारा, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो दिल्ली NCR में छाए हुए हैं बादल, देश के कई हिस्सों में आज बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल यहां पर छाए हुए हैं, वहीं दिल्ली में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और हवा की गुणवत्ता बहुत ही खराब बनी हुई है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस हफ्ते दिल्ली NCR में न्यूनतम तापमान गिरकर 9 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। वहीं दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक जाने की उम्मीद है। वहीं देश के बाकी हिस्सों में मौसम की बात करें तो दक्षिणी भारत के कई राज्यों में बारिश से हालात खराब हुए हैं। वहीं बारिश के चलते तमिलनाडु में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चेन्नई में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा रेड अलर्ट के बाद शहर के विभिन्न इलाकों में जमकर बारिश गुरुवार को देखने को मिली है। आज भी यहां पर बारिश होने के हैं आसार। इसके अलावा मौसम विभाग ने चेन्नई और त्रिवुलर और कोचीपुरम और रानीपेट समेत कई जिलों में यहां पर बारिश की यहां पर संभावना जताई है। भारी बारिश की चेतावनी यहां पर मौसम विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। वही मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक दक्षिणी तटीय और दक्षिणी कर्नाटक और इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तटीय आंध्र प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अगले 3 दिनों तक रॉयल सीमा में बारिश की संभावना बनी हुई है। वही कल तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश दर्ज की गई है। वही आज तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में और दक्षिणी यहां पर तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी से अधिक भारी बारिश की संभावना यहां पर मौसम विभाग की ओर से जताई गई। बता दें आपको कि इस हफ्ते के दौरान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर तेज रफ्तार हवा चलने की उम्मीद है और मछुआरों को तेज हवा क्षेत्रों में न जाने की सलाह यहां पर दी है। वहीं उत्तर भारत में लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजस्थान, गुजरात और यहाँ पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं राज्यवर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की, तो राजस्थान में बारिश से पड़ी है सर्दी, जिनके तापमान में 1 से 7 डिग्री की आई है गिरावट। राजस्थान में अब लगातार सर्दी बढ़ने लगी है। वहीं गुरुवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हुई बरसात के बाद सर्दी और बढ़ गई है। वहीं गुरुवार को प्रदेश के कई जिलों में तापमान में 1 से लगाकर 7 डिग्री तक की गिरावट यहां पर दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश में कोटा में 9.6 mm बारिश हुई है। वहीं उदयपुर में 35 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं भीलवाड़ा में 6 mm और चित्तौड़गढ़ में 20 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा सवाई माधोपुर में 0.5 mm और बूंदी में 5.5 mm और डूंगरपुर में 31 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा बारा के आता में 12 mm बरसात रिकॉर्ड की गई है। वही राजधानी जयपुर का मौसम भी यहां पर गुरुवार को बदला रहा। वही दिन भर यहां पर बादल छाए रहे, वही धूप नहीं निकली और दिन भर यहां पर ठंडी हवाएं चलती रही, जिससे सर्दी का एहसास लोगों को हुआ। वही प्रदेश में न्यूनतम तापमान चूरू का 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वही मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिन से बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का असर आगामी 4-5 दिनों तक राजस्थान पर देखने को मिलेगा। वही प्रदेश में दक्षिणी भागों में बरसात की संभावना है। वही आज यानी शुक्रवार को यहां पर अजमेर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, टोंक और उदयपुर और सिरोही जिलों में आज मेघगर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। वहीं शनिवार को पूर्वी राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। वही मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के विभिन्न भागों में जिसमें अजमेर और कोटा और चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, जालौर और सिरोही में दिन के तापमान में 1 से 7 डिग्री की गिरावट यहां पर दर्ज की गई है। वहीं सिरोही में दिन का तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस यहां पर रहा है। वहीं रात का तापमान यह रहा है जालौर में 5.6 और बूंदी में 2.5 डिग्री यहां पर रहा है। इसके अलावा यहां पर तापमान की बात करें तो यहां पर सिरोही में यहां पर तापमान में गिरावट लगातार देखने को यहां पर मिल रही है। इसके अलावा यहां पर प्रदेश के कई जिलों में तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं सीकर का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा चूरू का 5.6 डिग्री रहा है। अधिकतम तापमान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा तापमान 30 डिग्री तापमान यहां पर बाड़मेर का दर्ज किया गया है। वही बात करते हैं गुजरात राज्य के मौसम अपडेट की, तो गुजरात में मावठ के रूप में 93 तहसीलों में हुई है बारिश। गुजरात में गुरुवार को मावठ के रूप में 93 तहसीलों में बादल बूंदाबांदी से लेकर अच्छी बारिश यहां पर हुई है। सबसे अधिक 72 mm बारिश यानी करीब 3 इंच बारिश नर्मदा जिले के
तिलवाड़ा स्टेशन में हुई है। वही अन्य स्टेशनों में 2-2 इंच से अधिक यहाँ पर बारिश हुई है। बावट के रूप में अच्छी बारिश के कारण तापमान में वृद्धि हुई है। वही अगले 2 दिनों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना गुजरात में जताई गई है। वही मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को 6 बजे यहाँ पर शाम को यहाँ पर नर्मदा जिले के यहाँ पर तिलवाड़ा स्टेशन में 72 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। साबरकांठा जिले के इंडर स्टेशन में यहाँ पर 67 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वडली में 60 और महसाणा के खेरालू में यहाँ पर 52 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं इसके अलावा राज्य के 11 ऐसी स्टेशन भी है जहाँ पर 1 इंच से लेकर 1.5 इंच तक बारिश हुई है। इनमें साबरकांठा जिले के खेड़ा ब्रह्मा और महसाणा के सतला से 40 mm से ऊपर बारिश हुई है। इसके अलावा यहाँ पर विजयनगर और पाटन जिले की राधनपुर और बिसोना में यहाँ पर 30 mm से अधिक बारिश यहाँ पर हुई है। नर्मदा जिले के नांदोड़ और महसाणा के ऊंझा में भी यहाँ पर 28 mm बारिश रिकॉर्ड यहाँ पर की गई है। इसके अलावा सूरत जिले के बारडोली में और वलसाड़ की वापी में और महसाणा के वडनगर स्टेशन में भी 25 mm बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। दूसरी और 21 स्टेशनों में 10 mm से लेकर 21 mm तक बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के मौसम अपडेट की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता सहित कई जिलों में गिरेगा पारा। कोलकाता महानगर समेत प्रदेश में मौसम का बदलाव यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है और पारे में लगातार गिरावट यहाँ पर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। वही अलीपुर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में जानकारी दी है कि अलीपुर मौसम विभाग ने रीजनल डायरेक्टर जीके दास ने कहा है कि फिलहाल उत्तर हवा फिर से यहाँ पर चल रही है। वही अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट आएगी। वही कोलकाता के साथ ही यहाँ पर दूसरे जिलों में पारा यहाँ पर गिरेगा। वही पश्चिम बंगाल में यहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वही बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तट की ओर से यहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र बढ़ रहा है। वही कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल में सर्दी का असर अब दिखेगा। वही मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरी हवा फिर से चलेगी और अगले 4 दिन तक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। इस बीच पश्चिम बंगाल के जिलों में सुबह होते यहाँ पर कोहरे की स्थिति बन गई है, जिससे यहाँ पर यातायात प्रभावित रहा है। दिवाली छठ पूजा समाप्त होते ही कोलकाता समेत प्रदेश के अंदर अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। वही महानगर व आसपास के जिलों में यहाँ पर कुछ इलाकों में यहाँ पर बादल छाए रहे हैं। वही सुबह से आसमान में काले बादल यहाँ पर छाए रहे। वही सर्द हवा का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वही लोगों ने अभी से यहाँ पर ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वही कोलकाता आसपास के जिलों में कुछ इलाकों में कल यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है। हालांकि फिलहाल कड़ाके की सर्दी के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। वही अलीपुर मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में दक्षिणी बंगाल के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वही मौसम विभाग के अनुसार ये कहा गया है कि अगले 2-3 दिन तक यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल छाए रहेंगे। वही बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के मौसम अपडेट की, तो छत्तीसगढ़ में पिछले 7 दिनों से बदला है मौसम। बस्तर में फिर बारिश के हैं आसार। खासकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में मौसम पिछले 1 हफ्ते से बदला हुआ है। वही जगदलपुर और कांके दंतेवाड़ा के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। वही मैदानी क्षेत्रों और उत्तरी छत्तीसगढ़ में रात का तापमान में मामूली सी गिरावट आई है। वही राजधानी रायपुर में मंगलवार की तुलना को बुधवार को 1 डिग्री यहाँ पर तापमान में गिरावट रही। वही यहाँ तापमान 20.6 डिग्री रहा है। वही परसों यहाँ पर 21.4 डिग्री जो तापमान था, वह प्रदेश में सबसे कम तापमान पेड्रा रोड में 14 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। वही मौसम विभाग के अनुसार एक निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। इसके साथ ही ऊपरी हवा का चक्रवर्ती घेरा 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर विस्तारित है। यह लगभग पश्चिम दिशा मध्य बंगाल की खाड़ी और उसे लगे दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी तटीय तमिलनाडु में 18 नवम्बर को यहाँ पर पहुंच चुका है। वह इसके प्रभाव से व्यापक रूप से बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। इसके कारण प्रदेश में 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश यहाँ पर हुई है। वहीं गरज चमक के साथ कुछ इलाकों में आज भी छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ में मामूली सी यहाँ पर गिरावट की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। यानी उत्तरी छत्तीसगढ़ में मामूली सी गिरावट तापमान में आएगी। बात करते हैं अब दिल्ली के मौसम अपडेट की, तो दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ बढ़ेगी ठंड। दिल्ली में अगले कुछ दिन तक यहाँ पर सुबह किस वक्त यहाँ पर धुंध छाई रहेगी। वह तापमान में भी गिरावट आएगी। वह दिल्ली में
गुरुवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत पूरे NCR में रविवार से तेज हवा चलने की उम्मीद है, जिससे प्रदूषण के स्तर में कुछ यहाँ पर राहत मिल सकती है। बता दें आपको कि दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक 247 दर्ज किया गया। वहीं फरीदाबाद में 339 और गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में 300 से ऊपर दर्ज किया गया। इसके अलावा गुरुग्राम में 323 और नोएडा में भी 300 से ऊपर यहाँ पर वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को लोगों ने यहाँ पर गले में खराश और आंख में जलन की शिकायत यहाँ पर की है। वह लोगों को यहाँ पर सलाह है कि वे सुबह सैर करने के बजाय शाम को घूमें और सांस संबंधी परेशानी रखने वाले लोग चिकित्सक की सहायता यहाँ पर ले। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में अब और भी गिरावट आएगी। वे 22 नवंबर तक अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 से 10 डिग्री के आसपास रहने के आसार है। वहीं 24 नवंबर को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। 23-24 को अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दिल्ली में होने के आसार यहाँ पर जताए जा रहे हैं। वही बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की, तो उत्तर प्रदेश में धुंध के कारण बढ़ गई है सर्दी। इस समय यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में कपकपाती ठंड का दौर शुरू हो गया है। वही पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने ठंड में और भी इजाफा कर दिया है। आने वाले दिनों में हाड़ कपाने वाली ठंड का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। आलम यह है कि नवंबर महीने के मध्य ही यहां पर कश्मीर घाटी के श्रीनगर में तापमान 0 से 1.5 डिग्री नीचे जा चुका है। वहीं मौसम विभाग ने पिछले दिनों यहां अपने पूर्वानुमान बताया था कि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होने के चलते उत्तर भारत में ठंड पड़ेगी। वहीं प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर के आसपास के जिलों में रात का तापमान में रोजाना गिरावट का सिलसिला बना हुआ है। खासकर तराई इलाकों में ठंड बहुत तेजी से बढ़ रही है। वहीं पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने ठंड में और इजाफा कर दिया है। आने वाले दिनों में हाड़ कपाने वाली ठंड का लोगों को यहां पर सामना करना पड़ सकता है। वह कश्मीर घाटी के श्रीनगर में तापमान 0 से 1.5 डिग्री नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने पिछले दिनों अपने पूर्वानुमान में बताया था कि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होने के चलते उत्तर भारत में ठंड पड़ेगी।